बूंदी में पंचकर्म मरीजों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। जिले के सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में चिकित्सकों ने नवीन प्रयोग करते हुए असाध्य बीमारियों का इलाज पंचकर्म पद्धति से करना शुरू किया है और अब मरीज यहां से खुश होकर लौट रहे हैं। पंचकर्म जटिल बीमारियों को भी दूर कर रहा है। घुटना दर्द, कमर दर्द व हड्डियों से संबंधित कई रोगों से पंचकर्म के माध्यम से निजात मरीजों को मिलने लगी है, जिससे मरीज काफी राहत महसूस कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, खुद मरीज ही कह रहे हैं। तो मेरे को पता लगा तो मैं यहाँ डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आया और इन्होंने मुझे यहाँ भर्ती किया। मुझे यहाँ 2 दिन से है, जो मतलब थोड़ा रिलीफ है इसमें, कमर के दर्द में। उठने बैठने में भी मुझे दिक्कत आती थी, तो मुझे इस पंचकर्म से है जो अच्छा फायदा मिल रहा है। बताओ क्या समस्या थी? हमारे घुटने की, कमर की दर्द, इन्होंने शिकायत करी पंचकर्म, बढ़िया मालिश वालिश कराया, मरसात आया। पहले क्या कैसी स्थिति थी आपकी? पहले मेरे बाएं टाँगा घुटनों में, अरे कमर भी ऊंची नीची ना, और 2-3 दिन से मेरे पास। पहले आयुर्वेद अस्पताल का मरीज रुख तक नहीं करते थे, लेकिन पंचकर्म पद्धति से इलाज शुरू होने के बाद से अब रोगी दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। आयुर्वेद जिला चिकित्सालय में मरीजों को कई जटिल बीमारियों से, जैसे कमर, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव, जकड़न होना, इन सभी का इलाज पंचकर्म द्वारा किया जा रहा है। माइग्रेन जैसी बीमारी का इलाज भी अब यहाँ किया जा रहा है। ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है और बहुत ही कारगर है। और इसके कुछ विधि जैसे कि पंचकर्म है, इसकी एक विशेष शाखा है जिसमें औषध को विभिन्न मार्गों के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। जो औषध साध्य व्याधियां नहीं होती, जटिलतम व्याधियां होती है, उनका इलाज हम पंचकर्म द्वारा करते हैं। कुछ ही जिला मुख्यालयों पर पंचकर्म विशेषज्ञ की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से एक बूंदी भी है। मैं MD पंचकर्म डॉक्टर सुनील कुशवाहा हूँ। यहाँ मैं पिछले 2 महीने से हूँ और जटिलतम व्याधियों को हमने ट्रीटमेंट किया है, जैसा कि आपने हमारे रोगियों से मिले भी होंगे, उनसे भी अपने व्यू जाने होंगे। और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, हमारे पास जयपुर से, कोटा से, भीलवाड़ा, बारा से लोग आ रहे हैं।